सबसे पहला सवाल गौरव भाटिया जी आपसे है। तुषार गांधी शब्द इधर उधर नहीं कर रहे हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं विदेशों में तो गांधी गांधी करते हैं, देश के अंदर गोडसे करते हैं। क्या जानबूझकर महात्मा गांधी की जो महानतम तस्वीर पहले वाले लाइट एंड शो साउंड शो में रखी गई थी उसको डाउनस्केल किया गया है इस बार, ये पहला आरोप। दूसरा, नेहरू आईएनए की तरफ से सुभाष चंद्र बोस के आर्मी की तरफ से वकील बने थे, इस फैक्ट को क्या जानबूझकर हटाया गया है? तीनों सवालों पर आपका जवाब। अंजना जी, सर्वप्रथम तो देखिए ये कहूंगा कि जब 75वां स्वतंत्रता वर्ष हम लोग मना रहे हैं और उस वक्त एक अच्छी शुरुआत ये होती है कि कई महानायक रहे हैं, महात्मा गांधी पूजनीय हैं, आदर्श हैं, उसी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, मराठाओं का जिक्र होता है, एक बहुत बड़ा इतिहास है हमारे देश का, और उसको एक घंटे में, जो कि बहुत ही कम समय अवधि होती है, दिखाना आसान नहीं होता है, और उसके बावजूद अगर सबको जोड़ के एक जय हिंद शो बनता है, इस पे राजनीति करना अपने आप में मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, क्या ऐसा है कि महात्मा गांधी जी का जो योगदान है उसको दिखाया नहीं गया, दर्शाया नहीं गया? तो ये बात सत्य नहीं है। क्या जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, क्या इनकी जो योगदान है उसको वहां पे दिखाया नहीं गया? तो मैं समझता हूँ ये आरोप भी निराधार होगा। और इसके साथ अगर आईएनए सेना थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको कभी भी जो उनका योगदान था उसको सराहा नहीं गया और भारत को उसके बारे में बताया नहीं गया, अगर वो बताया जा रहा है तो इन्हें आपत्ति क्यों है? मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जो आरोप आज लगा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी जी ने, महात्मा गांधी जी ने जो सीख दी है उसको चरितार्थ किया है। हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान, हमने देखा किस तरह से झाड़ू अपने हाथ में लेके सफाई अभियान को बनाया, 11 करोड़ टॉयलेट बने। क्या हमने नहीं देखा कि खादी को किस तरह से बढ़ावा दिया? और साथ में ये भी कह दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर्तव्य पथ पर उनकी मूर्ति लगी, क्या ये नरेंद्र मोदी जी ने नहीं संभव किया? सरदार पटेल की पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति लगी, क्या ये नरेंद्र मोदी जी ने संभव नहीं किया? बी.आर. अंबेडकर साहब के लिए पंच तीरथ उनके नाम पे रखा गया, क्या ये नहीं दिखाता कि जितनी भी विभूतियां हैं उनको सही सत्कार आदर मिले? और एक घंटे के कम समय में कई ऐसे लोग हैं जिनका शायद वहां पे वर्णन ना किया हो, लेकिन उनका जो योगदान है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए।